साढ़े चार साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश को आर्थिक रूप से तबाह कर दिया, सामाजिक समरसता को तोड़ा है, जो संस्थाएं थी संविधान की संवैधानिक उनको समाप्त किया है, और कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये मोदी सरकार हर मोर्चे पर असफल साबित हुई है। मुद्दे भी बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से उनको क्लीन चिट मिली है, तो आप लोग डिफिसिट मान क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट क्या कहके मिली है बंद लिफाफे में कि रफेल का दाम बता दिया गया है सीएजी को, सीएजी ने पीएसी को बता दिया, पीएसी ने बता दिया है लोकसभा के पटल पर रख दिया, ये तीनों बातें झूठी। तो झूठ बोलकर जो फैसला आया है उस फैसले पर कैसे जनता एतबार कर सकती? सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के पैराग्राफ 20 में लिखाया है कि ये सूचना सीएजी को दे दी गई। तो झूठ बोलकर इन्होंने तो सोचा था लिफाफा बंद रह जाएगा, पता नहीं लगेगा हमने क्या लिखा है ना। तो भारतीय जनता पार्टी मोदी के कैप्टनसी में डूबता हुआ जहाज है, उससे उतरकर सब लोग सुरक्षित हटेंगे वहां। कि भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे असफल हो गई तो मतों के ध्रुवीकरण के लिए, सांप्रदायिकता के लिए वो कुमार फैला रही है, और आरएसएस दुर्भाग्य से उनको यही राय दे रहा है कि अब मंदिर मुद्दे पे चुनाव